एडवोकेट बस्ती। चुप, एकदम चुप। इस इलाके में कोई मुझसे इतनी तेज आवाज में बात नहीं करता है। और रही बात केस की, इस केस में तुम तो जेल जाओगे युवराज ठाकुर। ना तुम्हारी शादी, ना तुम्हारे बाप का साथ, कुछ भी कर लो बच नहीं पाओगे तुम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एडवोकेट अंजलि अवस्थी के ताजा एपिसोड के बारे में, जिसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बड़े हमले से। अंजलि पर एक बार फिर से हमला होता है, लेकिन इस बार का हमला बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई चाकू से अंजलि की जान लेने की कोशिश कर रहा है। ले जाओ इसको। मैंने मना किया था उसे आने से, फिर भी केस जीत गया सोच के। हाँ, केस जीत गया सोच के यहाँ आ जाओ युवराज ठाकुर, अपने पापा के पास जाओ। धोती कुर्ता पहन के शहरा वहरा लगा के फिर आ जाना, और साथ में ना अपने बाप को भी ले आना। अमन जो गणेश चतुर्थी के मौके पर अंजलि के साथ इस हमले को रोकने के लिए पूरी कोशिश करता है। शुक्र है कि अमन समय पर पहुंच जाता है और अंजलि को बचा लेता है। इस घटना के बाद अंजलि अमन से काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बेहद बड़ा ट्विस्ट आता है। अंजलि को पता चलता है कि अमन एडवोकेट ड्रैगो का बेटा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, ये जानकारी। मैं भी देखूंगी कितने पानी में हो तुम। भागो यहां से, भागो। और सुनो, एडवोकेट राजपूत को बोलना कि कोर्ट में आ रही है एडवोकेट अवस्थी कानून की भाषा लेके, और कोर्ट के बाहर अपनी हाथों की भाषा लेके। अंजलि के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब ये देखना होगा कि जब अंजलि के सामने ये सच्चाई आई है तो उसकी जिंदगी पर इस सच्चाई का किस तरह से असर पड़ता है। इसी बीच युवराज और गिनी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। वो सोचते हैं कि प्रज्ञा केस वापस ले लेगी और गिनी ये चुनौती जीतने का पूरा प्रयास करेगी। लेकिन जाते जाते तुम्हें एक चैलेंज करके जाना। एक बार इस केस से मुझे बाइज्जत बरी हो जाने दो, उसके बाद ना तो तुम्हारे कोर्ट में बात चलेगी और ना ही बाहर तुम्हारे हाथ। लेकिन युवराज की माँ और बहन इस योजना में शामिल हो जाएंगी। वो मिलकर प्रज्ञा को मनाने की पूरी कोशिश करेंगी। अमन गणेश चतुर्थी के दौरान अंजलि को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है। अंजलि की माँ भी इस बारे में अंजलि से बात करती है। दूसरी तरफ राघव अंजलि का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो केस नहीं जीत सकती। अंजलि राघव के इस मजाक का करारा जवाब देते हुए दिखाई देती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अंजलि इस शादी को रोक पाएगी, क्या वो प्रज्ञा को बचा पाएगी, या फिर हमें कोई नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। क्या काव्या जान पाएगी कि अमन किससे प्यार करता है? आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये अपडेट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।